आज की हमारी स्टोरी है तेनाली रामन एंड द हंचबैक। हंचबैक होता है जिसकी कमर मुड़ी हुई होती है, झुक के चलता है जो। वंस द तेनाली रामन केम टू नो अबाउट अ स्लेंडरल साधु हु हैज़ बीन चीटिंग द पीपल ऑफ विजयनगर। एक दिन तेनाली राम को एक धोखेबाज, स्विंडलर मतलब धोखेबाज साधु के बारे में पता चला जो विजयनगर लोगों के साथ धोखा कर रहा था। He made people consume some drugs which would turn them mad. अब वो साधु क्या करता था, लोगों को ना एक ड्रग देता था, दवाई सी, जिससे कि वो पागल हो जाते थे। One day तेनाली रामन followed the साधु। एक दिन तेनाली रामन ने उस साधु का पीछा किया and took him to a man who had become mad due to his drugs. तो एक दिन तेनाली रामन ने जब उस साधु का पीछा किया तो वो एक आदमी तक पहुंचा जो कि उसके ये ड्रग्स लेकर पागल हो चुका था। तेनाली रामा वांटेड टू एक्सेप्ट हिज गिल्ट बिफोर हिज विक्टिम। अब तेनाली रामा ये चाहता था टू एक्सेप्ट हिज गिल्ट मतलब अपने अपराध, अपनी जो गलती की है, उसने जो अपराध किया है उसको मान ले। एक्सेप्ट मतलब मान ले, विक्टिम मतलब उसी पागल इंसान के सामने, और हिम मतलब के साधु। तेनाली राम ये चाहता कि साधु जो था ना वो अपना अपराध मान ले उस विक्टिम के सामने, विक्टिम मतलब जो पागल हुआ है। However, this didn't happen. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। And the madman killed the sadhu in a fit of madness. और पागलपन के चक्कर में, पागलपन का उसे दौड़ा पड़ा उस आदमी को और उसने साधु को ही मार दिया। As per goddess Kali's prediction, अब goddess काली जो है उसने ये भविष्यवाणी की थी, prediction मतलब भविष्यवाणी की थी। तेनाली had to face many difficulties and opponents due to fame and wealth. फेम और वेल्थ, प्रसिद्धि और पैसे के कारण तेनाली राम को अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और बहुत लोग उसके अगेंस्ट भी जाएंगे। अपोनेंट्स मतलब होता है विरोधी जो उसके खिलाफ है। वन सच एनिमी वॉज द राजपुरोहित, और ऐसा एक आदमी था राजपुरोहित। ही लाइड टू राजा कृष्णदेव राय दैट तेनाली रामन हैड किल्ड द साधु विद द हेल्प ऑफ अ मैड मैन। अब लाइड मतलब झूठ बोला। उस पुरोहित ने कृष्णदेव को झूठ बोला राजा को कि तेनाली रामा जो है ना उसने उस साधु को, उस पागल आदमी की मदद से मार दिया। द किंग ऑर्डर्ड तेनाली रामा टू बी बेरिड इन टू द ग्रुप ग्राउंड अप टू हिज नेक। अब राजा ने ऑर्डर किया कि तेनाली राम को ना मिट्टी के नीचे दबा दो, बस उसका मुंह ऊपर हो, नेक तक उसे दबा दो। एंड इज हैज टू बी स्मैश्ड अंडर एलिफेंट फीट, और जो तेनाली राम का सर है ना उसको कुचलवा देंगे, स्मैश्ड मतलब कुचलवा देंगे एलिफेंट के फीट से। टू सिपॉय वर डिप्यूटेड टू कैरी आउट द सेंटेंस, सेंटेंस मतलब है यहाँ उसकी सजा। तो जो दो सिपाही थे, ये दोनों सिपाही को इस काम पे लगा दिया गया। द सिपॉयज टुक तेनाली राम टू द जंगल, वो उसे जंगल में ले गए एंड बरीड हिम इन द ग्राउंड विद हिज ओनली हेड पॉपिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। ऐसे उसे दबा दिया, सिर्फ उसका सर ही दिख रहा था तेनाली रामा का। देन दे लेफ्ट टू ब्रिंग एलिफेंट, फिर वो चलेगा एलिफेंट को लाने के लिए। इन द मील टाइम बैगर विद अ हंचबैक पास थ्रू द वे वेयर तेनाली राम वॉज बरीड। तो उसी टाइम एक भिखारी जो था, बैगर, जिसकी कमर झुकी हुई थी, वो वहां से जा रहा था जहां तेनाली राम को मिट्टी में गाड़ा हुआ था। When he saw Tenali Ram in such a situation, जब उसने देखा कि Tenali Ram ऐसे क्यों है, he asked what was wrong with him. तो उस beggar ने पूछा Tenali Ram से, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ। Tenali Rama said I was a hunchback. Tenali Ram ने कहा कि मेरे ना कुबड़ा था मैं, मेरी कमर झुकी हुई थी। A saint advised me to be in this position and remain in complete silence for 3 days to get a straight back. तो एक सेंट ने मुझे कहा, मतलब वही साधु टाइप ने मुझे कहा कि भाई 3 दिन तक मैं इस तरह से मिट्टी में रहूं और कुछ नहीं बोलूं, मेरी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ही फर्दर दैट सिंस 3 डेज वर ओवर, अब उसने कहा कि अब ये 3 दिन हो गए हैं। ही वॉज आस्किंग द बैगर टू हेल्प हिम इन कमिंग आउट, तो उसने कहा प्लीज़ बैगर को कहा कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो मुझे बाहर आने में, सो दैट ही कुड चेक इफ़ हिज बैक वॉज स्ट्रेटन्ड, ताकि वो चेक कर सके तेनाली राम कि उसकी कमर सीधी हुई है या नहीं हुई। द बैगर हेल्प्ड हिम टू कम आउट फ्री, अब बैगर ने मदद कर दी तेनाली राम की, उसे आज़ाद कर दिया। ही वॉज एस्ट्रॉन्डेड टू सी तेनाली राम स्ट्रेटन्स बैक, अब वो जो था बहुत ही एक्साइटेड हुआ, थ्रिल्ड हुआ, हैरान हुआ तेनाली राम की बैक को स्ट्रेट देखकर।
कि भाई ये सीधा हो गया. ही प्लीडेड विद रावण टू बरी हिम इन हिज प्लेस. तो उसने उसको कहा, रिक्वेस्ट की रावण को कि अपनी जगह पे उसको दबा दे, मतलब मिट्टी में डाल दे अंदर. तेनाली रामन रिमाइंडेड द बैगर टू बी म्यूट. तेनाली रामन ने बैगर को याद दिलाया कि बिल्कुल म्यूट रहना, मीन्स चुपचाप रहना. फॉर 3 डेज नो मैटर वट हैपन्स एंड लेफ्ट फॉर हिज होम. कुछ भी हो जाए तुम चुप रहना, तेनालीराम ने ये कहा. इन एन आर द सिपॉय वेंट विद एन एलिफेंट. अब वो जो सिपॉय थे वो आ गए एलिफेंट के साथ. वेन दे सॉ समवन एल्स इन प्लेस ऑफ तेनालीरामन दे वर सरप्राइज. अब उन्होंने देखा तेनालीराम की जगह तो कोई और आया, अब उनको बड़ी हैरानी हुई. दे प्रोब्ड द बैगर, उसने सवाल पूछना शुरू किया बैगर से, तेनाली इज वेयर अबाउट, तेनाली कहाँ गया उसके बारे में. बट ऑल वेंट इन वेन, बस सब बेकार हो गया. इन वेन मतलब बेकार, क्यों? क्योंकि तेनालीरामन ने उसे कहा था कि तुम बिल्कुल चुप रहोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे. दे वर टायर्ड, वो थक गए बेचारे. एंड वॉर्न्ड हिम नॉट टू टेल अबाउट इंसिडेंट टू एनी वन. और उसको बैगर को वॉर्न करके चले गए कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना, इंसिडेंट मतलब घटना के बारे में. दे रिटर्न टू द रॉयल कोर्ट, वो रॉयल कोर्ट वापस चले गए. एंड इन्फॉर्म द किंग अबाउट, इन्फॉर्म्ड द किंग दैट द वर्क वॉज डन. और राजा को कहा कि जी काम हो गया. बाई दिस टाइम राजा कृष्णदेव राय हैड कम टू नो अबाउट द डुपिटिशियस साधु. डुपिटिशियस साधु मतलब धोखेबाज साधु के बारे में कृष्णदेव राय को तब तक पता चल चुका था. ही वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ फॉर पनिशिंग तेनाली रामन विदाउट प्रोबिंग इन टू द ट्रूथ. तो वो खुद को ना कर्स कर रहे थे, मतलब खुद को भुला भरा कह रहे थे कि भाई मैंने तेनाली राम को बिना कुछ जाने, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की और उसे मैंने पनिश कर दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग किंग कॉल्ड फॉर अ कंडोलेंस मीटिंग. कंडोलेंस मीटिंग मतलब दुख के लिए, दुख होता है दुख की शोक सभा, उसके लिए राजा ने बुलाया. जस्ट देन तभी तेनालीरामा अपीयर. तेनालीराम आया एंड ग्रीटेड द किंग, और राजा को उसने ग्रीट किया, मतलब गुड मॉर्निंग या नमस्ते जो भी है. एवरीवन इन द कोर्ट वॉज शॉक्ड, हर कोई कोर्ट में हैरान रह गया. द किंग स्टूड अप फ्रॉम द थ्रोन, अपने सिंहासन से राजा खड़ा हुआ. एंड एम्बैरस्ड हिम, और उसको गले लगा लिया. तेनालीरामा नरेटेड द होल एपिसोड. तेनालीरामा ने सारी कहानी राजा को सुना दी. एंड आस्क द किंग टू पार्डन द सिपॉय फॉर देयर लाई, और कहा कि उन सिपाहियों को भी माफ कर दो जिन्होंने झूठ बोला है.